नेहरू युवा केंद्र संगठन ने 3 दिवसीय युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास का आगाज किया। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान से 3 दिवसीय युवा नेता एवं सामुदायिक विकास नगर पंचायत भोटा के विकासखंड की बिजरी ब्लॉक जिला हमीरपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इस 3 दिवसीय युवा सामुदायिक विकास के उद्घाटन में मुख्य अतिथि सरवन प्रसाद वार्ड पंच और साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर विजय शर्मा और पीएचसी के उषा देवी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे और नेहरू युवा केंद्र के यूथ कोऑर्डिनेटर रोहित यादव ने मुख्य अतिथि को टोपी व शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम की शुरुआत की। हेल्थ डिपार्टमेंट विजय शर्मा ने बच्चों को टीकाकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मुस्कान योजना और भी बहुत सारी विस्तार पूर्वक हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दी और मुख्य अतिथि ने अंत में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के बारे में पूरी जानकारी युवाओं को दी। कार्यक्रम के तहत युवाओं को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक विषमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसके अमलीजामा और सामान्य कल्याण के साधनों पर एक व्यक्ति के अभाव को भी देखना चाहता है। ये कार्यक्रम 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से पैदा किया गया था, जिसमें वयस्क महिलाएं साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर को कम करने के लिए 10% से अधिक अंक नहीं थे। इसके 4 व्यापक उद्देश्य हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष से इससे अधिक आयु के 70 मिलियन गैर साक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है और साथ में प्रिंसिपल ने 10वीं और प्लस 2 एग्जाम के बारे में जानकारी दी और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के कंप्यूटर ऑपरेटर अंकिता ठाकुर और लड़के लड़कियों ने रोड जाना मेरी अम्मी पर पहाड़ी गानों पर नाटियां डाली। घर होता है या जहाँ भी वो उसको जाना होता है वहाँ जाके ये पहुँचाती है, चाहे वो कितने भी थ्रू आउट हिमाचल कितने भी दूर हो वहाँ भी उसको वो सर्विस दी जाती है। और उसके बाद जो है जैसे जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत जो बीपीएल परिवार से होते हैं, गर्भवती माताएं होती हैं या फिर जैसे वो जो होती हैं ऐसी कास्ट से होती हैं, तो उनको 2 बच्चों पर जो है वो 700 रुपये का योगदान दिया जाता है। और उसके बाद जो जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके तहत जो है वो जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है, जो माता होती है 1.5 महीने तक जो है उस बच्चे का, मतलब अगर कोई जैसे गंभीर बीमारी भी हो जाती है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज होता है।